हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन असिस्टेंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे अमेज़न ऐप से आप रेलवे टिकट बुक कर सकते हैं। अमेज़न ने ये सुविधा इंडियन रेलवे के साथ टाइप करके शुरू कर दी है और अपने ऐप में ऑप्शन को यहाँ पे लॉन्च कर दिया है। अब बड़े ही आसानी से अपने शॉपिंग ऐप अमेज़न के माध्यम से आप ट्रेन टिकट भी बुक कर सकते हैं। आइए आज के इस वीडियो में देखते हैं कैसे। दोस्तों, अमेज़न ऐप के द्वारा आपको ट्रेन टिकट बुक करने के लिए आपको आपके अपने अमेज़न ऐप में आना है। अगर आपके मोबाइल में अमेज़न ऐप नहीं है तो आप गूगल प्ले स्टोर की मदद से अमेज़न सर्च करके आप अमेज़न ऐप को यहां पे इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें पहले से ही इंस्टॉल है, मैंने इसको ओपन किया। जब आप ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है और यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है अमेज़न पे का। आप इस पर टैप करें। जब आप इस पर टैप करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शंस आ जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आता है रिचार्ज का, फिर पे बिल्स का, और उसके बाद इंश्योर इन्वेस्ट का, और लास्टली आपको ऑप्शन मिल जाता है बुक टिकट। यहाँ पे ट्रेन्स पे क्लिक करें। दोस्तों, जैसे ही आप ट्रेन्स पे क्लिक करते हैं आप इस ऑप्शन पे आ जाते हैं। आपको अपना सोर्स रेलवे स्टेशन सेलेक्ट करना होगा, यानी कि जहाँ से आप यात्रा करना चाहते हैं, और आप जहाँ जाना चाहते हैं वो वाला स्टेशन आपको नीचे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये स्टेशन सेलेक्ट करने के बाद आपको डिपार्चर डेट सेलेक्ट करना है, यानी कि किस डेट में आप यहाँ से जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं 1 फरवरी सेलेक्ट कर लेता हूँ और डन पे क्लिक करता हूँ। और उसके बाद आपको, अगर आप सिर्फ एसी की ट्रेन सर्च करना चाहते हैं तो आप एसी ओनली पे टिक लगा सकते हैं, नहीं तो फाइन ट्रेन्स पे क्लिक करें। जैसे आप फाइन ट्रेन्स पे क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो है सीट की जो अवेलेबिलिटी है वो दिखा दी गई है। बहुत सारी ट्रेनें हैं उस डेट में, तो सारी ट्रेनों का लिस्ट जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। हम यहाँ पे बिहार संपर्क क्रांति जो ट्रेन है सबसे पहले ऊपर लिस्ट आ रहा है। इसका यहाँ पे आपको टाइमिंग भी देखने को मिल जाता है। सुबह में 10:25 पे है और 2 तारीख को सुबह में ही 5:15 पे ये ट्रेन हमें वहाँ आनंद विहार पहुँचा देगी। ये सब चीज़ें आपको देखना होता है कि कब आप यहाँ से प्रस्थान करेंगे, कब आप अपने स्टेशन पर पहुँच सकते हैं और कब आपको वहाँ पे वो ट्रेन छोड़ देगी। तो यहाँ पे अवेलेबल जो देखने को मिल रहा है इस पर आप क्लिक करें और प्रोसीड पे क्लिक करें। जब आप प्रोसीड करते हैं तो लेटेस्ट जो सीट की अवेलेबिलिटी है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाती है ग्रीन कलर से। उसके बाद यहाँ पर आपको प्राइस पर सीट भी देखने को मिल जाता है। आप चाहे तो सीनियर सिटीज़न का भी लाभ ले सकते हैं। यहाँ पे सीनियर सिटीज़न का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है जिसमें कुछ अमाउंट लेस हो जाता है, पर यहाँ पे उसकी अवेलेबिलिटी अभी नहीं है। लेडीज़ कोटा भी आप यहाँ पे देख सकते हैं जिसमें सिर्फ महिलाएं यात्रा करती हैं, तो आप जनरल ही यहाँ रहने दें। और सबसे पहले सेकेंड सीटिंग, उसके बाद SL यानी कि स्लीपर, थर्ड AC, सेकेंड AC और फर्स्ट AC का ऑप्शन यहाँ मिल जाता है। जो भी आप टिकट बुक करना चाहते हैं उस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करें। जब आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे IRCTC की जो ऑफिशियल यूज़र आईडी है वो उसकी मांग की जाती है। तो आप यहाँ पे, मैंने पहले ही इनपुट कर रखा है, अगर आपके पास IRCTC की ऑफिशियल आईडी नहीं है तो नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है क्लिक हेयर टू रजिस्टर फॉर IRCTC अकाउंट। इस पर क्लिक करके आप एक नया आईडी बना सकते हैं। फिलहाल हम प्रोसीड पर क्लिक करें। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपको आपका नाम, एज और जो आपकी जो जेंडर है उसे आपको यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा, और फिर आपको नीचे आना है। उसके बाद आपको आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद डेस्टिनेशन की बात करें तो आप जहाँ जाना चाहते हैं कोविड गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको वहाँ का पिन कोड यहाँ पे दर्ज करना पड़ेगा। जैसे ही आप अपने डेस्टिनेशन का यहाँ पे पिन कोड सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपकी जो सिटी है, स्टेट है वो, और पोस्ट ऑफिस का लिस्ट आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। आपको अपना पोस्ट ऑफिस यहाँ से सेलेक्ट करना है और डेस्टिनेशन का आपको यहाँ पे एड्रेस, जहाँ भी जाना चाहते हैं वहाँ पे आपको यहाँ दर्ज करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे, अगर IRCTC की इंश्योरेंस का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको प्रति व्यक्ति यहाँ पे 1.35 पैसे पे करना होता है। इसको भी आप सेलेक्ट करें और यहाँ पे कंडीशंस को अलाउ करें, फिर प्रोसीड टू रिव्यू पे क्लिक करें। प्रोसीड टू रिव्यू पे आप जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है कि ईमेल आईडी जो है वो कंपलसरी है, तो हमें यहाँ पे ईमेल आईडी दर्ज करना चाहिए, करना होगा। नाम भरने के बाद आपको यहाँ पे टिक लगाना है, और आप चाहे तो बर्थ का प्रेफरेंस भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको विंडोज सीट ही चाहिए तो आप विंडोज सीट पे क्लिक करेंगे
तो विंडो सीट जब अवेलेबल होगी तभी बुक होगी, वरना आपकी बुकिंग नहीं होगी। उसी तरीके से आप अगर यहाँ पे 4 साल के से नीचे का बच्चा है तो उसकी डिटेल भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं, और उसके अलावा दूसरे पैसेंजर है तो यहाँ पे ऐड न्यू ट्रेवल 5+ का ऑप्शन आपको मिलता है, यहाँ से आप दर्ज कर सकते हैं और फिर आपको प्रोसीड टू रिव्यू पे क्लिक करना होगा। जैसे ही प्रोसीड पे टू रिव्यू पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे IRCTC की ID जो है हमने पहले ही दर्ज कर रखी है। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आपको आपका पासवर्ड याद है IRCTC की ऑफिशियल ऐप का, तो दोस्तों मुझे याद है, अगर नहीं याद है तो आप यहाँ पे फॉरगेट कर सकते हैं। उसके बाद जब नेक्स्ट पेज पे आप आते हैं तो सारी डिटेल्स जो भी आपने फिलअप करा है वो देखने को मिल जाता है, और फाइनल ऑप्शन आपको आ जाता है प्रोसीड टू पेमेंट का, इस पर क्लिक करें। सभी डिटेल्स को आप अच्छे से मिला लें, कोई भी डिटेल्स गलती होने पे आप उसे सुधार कर सकते हैं, और यहाँ आने पे आपको पेमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। आप चाहे तो अमेज़न के UPI से भी इसमें पेमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं और नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, उसके अलावा अदर UPI ऐप से भी आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ सर्वर इशू के कारण जो हमारी पेमेंट है वो अभी प्रोसीड नहीं हो रही है, तो यहाँ से आप बड़े ही सिंपली आप पेमेंट कर सकते हैं, बहुत आसानी से हो जाता है। कभी कभी सर्वर का इशू रहता है तो वो आपको जब ठीक हो तब ये करें, और उसके बाद पे पे आप क्लिक करेंगे उस समय तो पेमेंट हो जाएगी, और आपको यहाँ पे UPI का पिन दर्ज करना पड़ेगा। UPI पिन दर्ज करने के बाद IRCTC की ऑफिशियल पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, उसे दर्ज करने के बाद आप यहाँ पे बड़ी आसानी से टिकट को बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद।